लेकर पुस्तकालय में है। मैं आए हुए एस्कॉर्ट टीचर से निवेदन करूंगा कि आगे आकर सुभाष चंद्र बोस जी को पुष्प अर्पित करें। सर बताएंगे प्रोग्राम कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे का पार्टिसिपेशन ज्यादा है और ये तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चे को आगे जाने के लिए। और पेंटिंग एक तो क्रिएटिव आर्ट है, इस आर्ट के माध्यम में उस बच्चे को उसका दिमाग में क्या है, क्या सोचते हैं, वो सब रिफ्लेक्ट कर सकता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम, जो बहुत सारा जा रही है घूमने के लिए, ये सब तो बहुत अच्छा लगा है।
बिल्कुल ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बच्चों को अपने इनोवेटिव आइडिया रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिला और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का प्रोग्राम जो है, इसका जो थीम है कि परीक्षा पे चर्चा एग्जाम मंत्र, ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है ताकि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ आ सकें और उनके एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है, जो लाइट एंड डेथ सिचुएशन हम लोग बना लेते हैं एग्जाम में अक्सर, उसको निगेट करके एक पॉजिटिव लर्निंग अप्रोच हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ये थ्रू आर्ट, थ्रू म्यूजिक ही हो सकता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम देख रहे थे बच्चे कैसा कर रहे हैं? बच्चे सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देवगढ़। आपका नाम? दीक्षा भोई। पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय देवगढ़। नाम अपना भाई? शुभम जी। सर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे उनको सही टाइम में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा चाहे।